हाँ तो प्राण प्यारी राजवाला, प्राण प्यारी राजवाला, मुझे तुमसे बात नहीं करनी पियाजी। मुझसे बात नहीं करनी? नहीं करनी। और क्या, सुनील उपाध्याय तो बात करेगी। हाँ कर लूंगी। यानी ब्याह के मेरी गेल आ रही है, यही तो गड़बड़ होगी। और बात करेगी सुनील उपाध्याय जी तो? बिल्कुल करूंगी। क्यों? तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? कोई ये बताओ, हमारी शादी को कितने रोज हो गए? हो गए दो तीन रोज। दो तीन रोज हो गए, लेकिन अब तक तुमने मेरे से एक भी बात नहीं करी। अब बात करने तो आया हूँ, बातें तो कर रहे हूँ। और अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी? नहीं, अब कर ले तो। नहीं करनी। क्या बात, किस बात पर नाराज? नाराज इसलिए हूँ कि ये बीच में जो तलवार रख के सोते हो, ये तलवार क्यों रखते हो बीच में? इसका भी एक बहुत गहरा राज है। कौन सा राज है? अभी बताओ। राज यो है कि ये तलवार मैं यूं रखूं कि तो इस तलवार से पल्ली तरफ सो जा, मैं तलवार से उल्ली तरफ सो जा। क्यों? तेरा मेरा गात ना भिड़े। यूं क्यों ना भिड़े? भिड़ावेगी। ये बताओ, हमारी शादी को दो तीन रोज हो गए, अब तक हमारी सुहागरात क्यों नहीं मनी? यह बात तो ठीक। हमारी पड़ोसन की भी शादी होगी, उसकी भी मन ली, लेकिन हमारी क्यों नहीं बनी? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण? वो कारण अगर पूछेगी तो सारा बता दूंगा। अभी बताओ मुझे। अभी बताऊं? अभी इसी वक्त। तेरी मेरी जो शादी हुई है, हुई है, और मैंने जो तेरे से शादी की है, उसमें एक बहुत कड़ी शर्त लगी हुई है मेरी। कौन सी शर्त? वो शर्त यू है कि तेरे पिताजी ने शर्त लगाई थी मुझसे कि अजीत, मेरी बेटी की, मेरी बेटी के साथ अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ? ऐसी भरी कंगाली में मेरे दिल से पूछ कि मैं 20,000 रुपए कहां से लाया? तो क्या गलत कर दिया मेरे पिताजी ने? तेरे पिताजी ने यह गलत कर दिया कि ऐसा कौन सा बाप है कि अपनी बेटी की शादी करते समय अपने बटे से जो पैसा ले उल्टा उल्टे देने चाहिए कि लेने चाहिए? कोई गलत नहीं किया मेरे पिताजी ने। और मैं पैसे लाया मेरे पिता के बचपन के यार एक सेठ से, उसने 20,000 रुपए देने से पहले एक शर्त लिखवा ली। कौन सी शर्त? कि अजीत बेशक शादी कर ले, 20,000 की जगह ले जाए 50, जब तक इन पैसों का ब्याज और मूल जमा ना करेगा तब तक बहन और भाई की तरह रहना पड़ेगा। बहन और भाई की तरह रहना पड़ेगा। हाँ, जब ब्याह करवाया तुमने और बहन और भाई की तरह रखना था, तो इससे बढ़िया तो मैं अपने घर पे ही थी। तो कोई बात नहीं, घर पे ही रहेगी। और तुम कहते हो कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा जुलम कर दिया 20,000 रुपए के लेके। हाँ, कोई गलत नहीं किया, सही क्या कर दिया? दुनिया कई कई लाख रुपए खर्च करके ब्याह कराया है। अच्छा, जब बहू मिले है। अच्छा, और मेरे पिताजी ने क्या कर दिया 20,000 रुपए में? 20,000 रुपए लेके पटोला सी बहू ना दी तने? देख, 20,000 रुपए दे के और ब्याह करके ला रहा हूँ। हाँ, यानी मोल खरीद के ला रहा हूँ। अच्छा, जब मन करेगा और जैसे मन करेगा वैसे करूंगा। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। है? मैं जा रही हूँ अपने घर। बीच में तलवार रख के सो लिए। तो जाके देख। क्यों? कोई जबरदस्ती है? तो एक काम कर, जबरदस्ती देख पिया जी। हाँ, अब तो मैंने हाथ भी पकड़ लिया। गलत बात। देख, आज ये गणेश सारे बैठे, महावीर जी बैठे हैं, और कहाँ गए वो शिव जी? जी देख, और वो शिव जी भी बैठे हैं। सब कर्जा पटा देंगे आज। कर्जा पटा देंगे? बिल्कुल। करनवाल जी बैठे हैं, उपाध्याय जी बैठे हैं, बंसल साहब बैठे हैं, शिव जी पीछे बैठे हैं, देख, भारद्वाज जी बैठे हैं, मंगला जी बैठे हैं। शिव जी जी अपना तिलसुल घुमाएंगे ना तो सारा कर्जा पट जाएगा। मेरी बात सुन, यहाँ करनवाल जी बैठे हैं, बंसल जी बैठे हैं, बिल्कुल, और मंगला जी बैठे हैं, भारद्वाज जी बैठे हैं, और भाई सुनील उपाध्याय जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। इनसे मेरा 20,000 रुपए और 20,000 रुपए का ब्याज उतरवा दे। तेरी कसम चार जब भजन दूंगा, जब कुआ पूजन का जुगाड़ करते। बस बस इतनी सी बात। और क्या, 20,000 की बात? हाँ। अरे ये तो तुम्हारे लिए 50,000 रुपए दे देंगे। तो देवा दे, तो बाकी काम फिर मेरा। गाना शुरू कर, उसके बाद देंगे। हाँ। गाना शुरू कर पहले। सुन ले मेरी बात, सुन अपनी बात। सुन ले पिया जी,
सुना। जब किसी लड़की का ब्याह होवे है तो उसका जो पति होता है उसने मुंह दिखाई देवे है। अच्छा, तुमने मेरे ते अब तक कुछ नहीं लाके दिया। इतने रुपया जब ते आन लाग रहे यो किसके आ रहे? ये तो मेरे जेठ कोई देवर कोई ससुर ये दे रहे हैं। किस लिए? तूने तो आज तक भी मेरे कुछ नहीं दिया। नहीं, ये किस लिए दे रहे? ये तो मेरे मुंह दिखाई दे रहे हैं। फिर के तन्ने दिखा दिया मुंह और क्या, जो पैसे देगा उसको मुंह दिखेगा। तुमने अब तक मुझे कुछ दिया नहीं तो मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं मुंह? उपाध्याय जी देख ले, मुंह देख रहा पैसे में। ये रीत है। अच्छा, रीत है। हाँ बता, और रीत बता अपनी। सुनने मेरी बात सुनो। हो आजा जा बल में हजारी, देख महावीर जी देखेंगे मुंह। तू ले ले बाबा जी का ठुल्लू, 500 रुपए देते हैं आदरणीय महावीर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और यो देख मेरे छोटा देवर 100 रुपए दे रहा है, कम से कम 1100 तो दे, भाभी का मुंह देखेगा। हो आजा जा बल में हजारी, तेरी या बाट देखे प्यारी। और रुक जा प्राणा प्यारी। हाँ। और तेरी काटूंगा बेमारी। परवेश चौहान जी कहाँ से? मुंह दिखाई। मुंह दिखाई, आदरणीय परवेश चौहान जी मुंह दिखाई दे रहे हैं, 500 रुपए बहुत बहुत। चिंता ना कर, आज मुंह देख के रहेंगे। और सुन, ये बता तेरा 20,000 का कर्जा कितने दिन में पट जाएगा? तो अभी पटवा दे फिर भी। और मेरा काम शुरू फिर भी, मतलब कि कितने दिन लग जाएंगे? नहीं तो ये तो कमाएंगे तो पटाएंगे, और ना कमाए तो ना भी पटेगे तो पूरी उम्र भी यूं ही लकड़ जा। पूरी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी? निकल भी सके। ये लो जी कर लो बात, पूरी उम्र इसकी ऐसे ही निकल जाएगी, फिर यो बुढ़ा हो जाएगा, फिर टावर छोड़ जाएगा तू। क्या अपनी बात सुन ले। हो आजा आजा बलम हजारी, तेरी बात देखे प्यारी। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बात देखे प्यारी। मेरा ये जो बनिया ने मोल दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे, एक बेघूमट खोल दिखा दे, एक बेघूमट खोल। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बात देखे प्यारी। आजा आजा बलम हजारी, तेरी बात देखे प्यारी। मेरा ये जो बनी अनमोल दिखा दे परी, दिखा दे परी, दिखा दे, एक बेघूमट खोल दिखा दे। और ये ले 100 रुपए, मैं इनका क्या करूं? मुंह दिखा दे। तुम्हें मुंह नहीं दिखेगा और क्या दिखेगा? सुनो, 100 रुपए इनमें तुम ही रख लो। यूं पूछ किस लिए? किस लिए? इन 100 रुपए का जूस ला के पी लिए। अच्छा। थोड़ी सी ताकत आ जाएगी तेरे में। अच्छा हाँ चल सुन ले। साजन तने निगाह चुराई, अरे थोड़ी देर ठहर जा प्यारी, कर दूं तेरी गरम रजाई। बार सासरे आई क्यों साजन तने निगाह चुराई, थोड़ी देर ठहर जा प्यारी, कर दूं तेरी गरम रजाई। मेरा तू हाय हाय, मेरा तू हाय हाय, मने तू ले बहो में तोल दिखा दे। दिखा दे एक बेघूमट खोल, दिखा दे एक बेघूमट खोल।
सारी मानने की है। फिर तुम क्यों नहीं मानते? मेरी मजबूरी है। पिया तेरा के? पिया जी तेरा के के? पिया तेरा दिल क्यों डामा डोर? दिखा दे दिखा दे दिखा दे एक बेघूम मट्टी खोल दिखा दे एक बेघूम मट्टी खोल जवानी तुरुरु तुरुरु रुरु तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। दोबारा करना। हेलो हाय तेरी जवानी तुरुरु तुरुरु रुरु। पिया जी तुम ये कहते हो कि कोई कमाई का साधन नहीं है। हाँ। तुम बैंड वालों के साथ भर्ती हो जाओ, बढ़िया काम चलेगा। बैंड वाले में तो फिर नाचने वाले की जरूरत रहे। मैं चल चलूंगी है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा। जब तुम तुरुरु तुरुरु करके लहरा बजाओगे मैं तो बहुत नाचूंगी। अच्छा हाँ। लहरा पर नाचेगी और हाय तेरी जवानी तुरुरु तुरुरु रुरु तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली भाई अभी ने। सुना सुनिए मत ना साजन देर लगई है गोरी ते मन की बतलाई है न्यू कहता जी। हाँ जी
पिया जी, हाँ जी, एक बात कहूँ? हाँ। तुम तो गाओ बहुत जोर का हो। अरे मेरी मजबूरी है, नहीं मैं बजाऊ में बढ़िया हूँ। क्या बजाओ हो तुम बढ़िया? हाँ कुछ भी बजवा लो। क्या बजवाऊ तुमसे? बड़ा सा बजवा लो। हारमोनियम बजवा। अच्छा। ढोलक बजवा। हाँ। गंडासा बजवा। हाँ। लाठी बजवा। हाँ। और तू बजवा। मुझे बजा दोगे तुम? तो भी बजा देंगे। ओए 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 यो भी इतना अभी तो रे हो आया तेरे तो बढ़िया तो यो ही है कम से कम मिस कॉल मारे आया मिस कॉल मारी आया लेकिन तू तो वेरी मिस कॉल भी नहीं मारता बता बता जल्दी पास मेरे तू मत न साजने देर लगई है गोरी ते मन की बतलई है न्यू कहता तक कहता हरे हाँ। राम बेशला कुछ दिन और हूरे रुक जाइए यूं कहता हरे राम बेशला कुछ दिन और हूर रुक जाइए मेरे ते दीपा ते मेरे ते मीठा मीठा गो दिखा दे दिखा दे दिखा दे एक बार घूम एक बे घूंघट खोल दिखा दे एक बे घूंघट खोल